हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में जो भी हम दिखा रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उससे आप लोग ये अंदाज़ा बिल्कुल ना लगाएं कि मैं या मेरे हस्बैंड हम किसी विशेष पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर हैं। हम दोनों ही नहीं बल्कि जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं वो भी किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी बात रख रहे हैं। हम एक आम जनता हैं और हमारा काम यही है कि जो काम अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करो, जो खराब करे उसकी शिकायत करो। तो जो हमारी RWA है, हमारी सोसाइटी की, उन्होंने कुछ समस्याओं को लेकर हमारे जो लोकल वहाँ के नेता हैं, विधायक जी हैं, श्री गुलाब सिंह, उनको इनवाइट किया था। और ये उनकी, मतलब मैं एक तारीफ करूँगी कि वो हमारे बुलाने पर हमारी सोसाइटी में आए और हमारी बातें सुनी, समस्याओं के बारे में जो समाधान हो सकते थे उसके बारे में उन्होंने हमसे डिस्कस किया। तो सबसे पहले जो हमारे सोसाइटी के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने फूलों के साथ विधायक जी का स्वागत किया और उन्होंने जो अपनी डिमांड रखी वो आप सुनिए। कितनी, मतलब कितने क्यूट, और ये जो इनकी डिमांड है ना, ये वाकई में बहुत ज़रूरी है बचपन के लिए, बच्चे के लिए। सोसाइटी में थोड़ा सा प्रॉपरली साफ सफाई हो, टाइम से चीज़ें मैनेज हो, लोगों की सुनवाई हो कि यहाँ कौन क्या चाहता है, तो दैट इज़ अ मेजोरिटी। हर आदमी का अपना अपना हो सकता है क्वेश्चन, बट ओवरऑल कि जो हम लोग कर सकते हैं बेटर वे, जैसे बच्चों ने अभी बोला कि भाई एक पॉइंट है ये, आई थिंक आई अप्रिशिएट द न्यू टीम, उन्होंने ये। सो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे नेता लोग होते हैं, हमारे विधायक या कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, मुझे नहीं पता सच में होती हैं नहीं है, क्योंकि आम जनता अपने कहते हैं रोजी रोटी में इतनी बिजी रहती है कि वो इन बातों पे इतना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है, एक विश्वास रहता है कि शायद हमारी बात सुनी जाएगी और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आए वो और इस प्रकार से हमारी बातें सुनी और कुछ कुछ बातें उन्होंने जो बताई जिसका कि हमें पता होना चाहिए, वो ज़रूर आप इसमें सुनिए और आप फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल या कहीं पे भी किसी सरकारी विभाग से कि क्या वो जो उन्होंने कहा सही है, और अगर वो सही है तो ज़रूर आप उसका लाभ उठाएं, खासकर जो उन्होंने लोन और कोचिंग की बात की है या मेडिकल की बात की। पॉलिटिकल वे में वो पब्लिक और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बीच में एक सेतु का काम करता है, ना कि वो राजनीति करे कि मैं बीजेपी का, मैं आम आदमी पार्टी का, मैं कांग्रेस का, और जब फिर जो काम करा दे उसके फेवर में उसको फिर वोटिंग के लिए भी पब्लिक को अपील करनी चाहिए। मेरा सीधा सीधा फंडा ये, सीधा बोलने से कुछ होगा नहीं। अब आपको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी और इसको आप गलत वे में लेके मत जाना। जो चीज़ जहाँ पे है, जिसके अधिकार क्षेत्र में है, उससे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है वो यूटी है, स्टेट नहीं है। दिल्ली हरियाणा पंजाब जैसा स्टेट नहीं है जहाँ पे पूरी पावर जो है MLA के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, या फिर पूरी पावर काउंसलर के पास है। तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अलग अलग एजेंसी अलग अलग सरकार को उसके प्रति जवाब दे। दुर्भाग्य की बात है कि जो आपकी पॉकेट है, द्वारका की अन्य DDA पॉकेट की तरह आपकी पॉकेट भी MCD के पास है। DDA ने पूरी पॉकेट को रख रखाव करने के लिए, पार्क के ब्यूटिफिकेशन के लिए,
पीछे की बाउंड्री वॉल बड़ी करने के लिए, कॉमन एरिया रिपेयर करने के लिए, ये सारी चीज़ें कुछ एमसीडी को दे दी, लेकिन जो कॉमन एरिया इसको रिपेयर करने के लिए ये डीडी के पास थी। 2019 में आखिरी पॉकेट थी एकता अपार्टमेंट, जिसके कॉमन एरिया को रिपेयर करके वाइट वॉश किया गया। उसके बाद डीडीए ने एक फरमान जारी कर दिया कि भाई जो लोग अलोटी है वो खुद अपने कॉमन एरिया को मेंटेन करे, डीडीए का उसे कोई लेना देना नहीं है, जो कि बिल्कुल तुगलकी फरमान है, जो कि बिल्कुल गलत फरमान है। अगर आप डीडीए के द्वारा लीज हुए उस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे जिसमें अलोटी और डीडीए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी हो, आप सेकंड पार्टी हो जिसने प्लॉट खरीद लिया है, फ्लैट खरीद लिया है अलोटी से, लेकिन अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ेंगे तो फर्स्ट अलॉटमेंट थी जिसमें आपने पूरी पेमेंट डीडीए को की, आपके नाम फ्लैट हो गया, फिर आप स्वतंत्र आप बेचो ना बेचो। लेकिन एक चीज़ बड़े स्पष्टता के तौर पर उसमें कही गई कि जब तक ये पॉकेट है तब तक इसके कॉमन एरिया का रख रखाव डीडीए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अलोटियों से पैसा लिया गया था, 33,000 करोड़ रुपया डीडीए के पास आज की तारीख में एफडीए फिक्स डिपॉजिट आपके पैसे का, पूरी दिल्ली के लोगों से जहां जहां जी डीडीए पॉकेट, चाहे वह बसंत कुंज में हो या फिर रोहिणी के अंदर हो, कहीं पे भी 33,000 करोड़ रुपया लोगों से वसूला गया जो इनके पास पड़ा हुआ। उस पैसे को कितने दिन हो गए ये भी देख लीजिए, उस पर इंटरेस्ट कितना आया होगा। लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि आप ये कह दो लोगों को कि भाई कॉमन एरिया को आप खुद मेंटेन करोगे? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके आरडब्ल्यू के पास में क्या फंड है? सीजीएचएस सोसाइटी में तो 3,000 रुपये मेंटेनेंस। एजुकेशन लोन के बारे में बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने, कोचिंग और उसके बाद हेल्थ के लिए भी आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं गवर्नमेंट से, तो वो सारी चीज़ें बताई, तो प्लीज़ इसे ज़रूर सुनिए। नंबर एक, पहला है जिसके अंदर कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, बिना गारंटी के लोन। दिल्ली सरकार 12वीं पास करने के बाद अगर बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तो दिल्ली सरकार आपके बच्चे को भारत के अलग अलग राज्यों में, जिनकी लिस्ट उन कॉलेज यूनिवर्सिटी की दिल्ली सरकार की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा के अंदर आपका बच्चा पढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ से एक एस्टिमेटेड कोस्ट बनवा के लाएगा कि मैं फलाना कोर्स करना चाहता हूँ, मान लीजिए 15 लाख का है तो उसमें से 10 लाख रुपये बिना पेरेंट्स की गारंटी के, पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, 10 लाख रुपये दिल्ली सरकार उस कॉलेज में उस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर देगी। कोई कैश नहीं देगी ना आपके बच्चे के अकाउंट में डालेगी, उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के अकाउंट में डालेगी कि इस बच्चे को पढ़ाया जाए, पेरेंट्स की कोई जिम्मेवारी नहीं, दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेवारी लेती है। वो पैसा कब रिफंड होगा? वो पैसा बच्चा तब रिफंड करेगा जब वो इनकम टैक्स की प्रणाली या सूची में आ जाएगा, उद्योगपति बने या वो नौकरी करे, तब वो पैसा सरकार को 15 सालों की आसान किस्तों में पैसा लौटाएगा। दूसरा, अगर वो पैसा वो बच्चा जो है अगर अनसक्सेस होता अपनी लाइफ में तो उस बच्चे के सर पे कोई भी सरकारी वजन कर्जे का नहीं रहेगा, ठीक है? ये है बिना गारंटी के लोन। दूसरा जय भीम प्रतिभा विकास योजना जो हर वर्ग हर धर्म के लोगों पर लागू होती है, इसके अंदर इनकम क्राइटेरिया है जो मैंने पहले बताई उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, वो करोड़पति के बच्चे के लिए भी है और वो झुग्गी में रहने वाले के बच्चे के लिए भी है। दूसरी जो मैं बताने जा रहा हूँ जय भीम प्रतिभा विकास योजना, जिसमें इनकम क्राइटेरिया है 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपये तक अगर आपकी इनकम है और आपका बच्चा 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हुए UPSC या IIT की तैयारी करना चाहता है, जैसे करोल बाग मुखर्जी नगर में जो सेंटर खुले हुए हैं, इन सेंटर की भी लिस्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध मिलेगी, ना मिले तो उसकी लिस्ट हम आपको वैसे भी दे देंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के। इसके अंदर अगर आपका बच्चा कोचिंग लेना चाहता है तो आपके बच्चे को जाकर वहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उस फॉर्म भरने के बाद 48 घंटे के अंदर आपके बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, 2 साल या 3 साल का जो भी उसके ऊपर खर्चा आएगा विद ट्रांसपोर्टेशन घर से आने जाने तक का, वो दिल्ली सरकार आपको मुहैया कराएगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। पहले वाली स्कीम में तो वापिस भी करना पड़ेगा इनकम टैक्स के दायरे में आके, इसमें नॉन रिफंडेबल है, बच्चा पढ़े लिखे अपनी कोचिंग ले और अपने घर आ जाए। तो ये दो स्कीमें आपको मैंने एक्सप्रेस का ग्रीन कार्ड जिसे वो उसको राशन कार्ड बोलते हैं, वो राशन लेते हैं, वो जिनके पास राशन कार्ड है वो भी इनकम सर्टिफिकेट वाले की तरह इन्हीं अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकती हैं, ठीक है जी। और दूसरा होता है उनके पास में लेबर कार्ड, अगर उनके पास लेबर कार्ड है और उनके घर में अगर बेटी की शादी है तो वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड
और लेबर कार्ड की कॉपी और अपनी बेटी का अकाउंट नंबर, ये तीन चार उनका जो भी एड्रेस प्रूफ है वो लेके हरिनगर लेबर कमिश्नर के यहाँ पे एप्लीकेशन डालेंगे, एक मेरा लेटर लगेगा उसमें, तो उनकी बेटी की शादी में 1,00,000 रुपये कन्यादान दिल्ली सरकार की तरफ से मिलता। ये आप उनको जरूर बताना दो चीज़ें, ये उनके लिए पॉलिसी लेके आई वर्ष 2017 में, जिस पॉलिसी का नाम है डाक DAK दिल्ली आरोग्य कोष, जो दिल्ली के हर वोटर को, जिसके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है और वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, उसको ये अधिकार देती है कि दिल्ली का सरकारी अस्पताल, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, GB पंत हो, LLJP हो, इनमें से कोई भी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और वो आपको 30 दिन से ज़्यादा का टाइम देता है किसी को सर्जरी करानी है, और वो कहता है जी 2 महीने बाद आना भी समय नहीं है, तो फिर आपका पूरा अधिकार है कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड उसको दिखाइए और उसको बोलिए कि डाक पॉलिसी के तहत मुझे अग्रसेन या आयुष्मान हॉस्पिटल सेक्टर 10 में रेफर कर दीजिए। ये दो हॉस्पिटल हमारे सबसे करीब है। दिल्ली सरकार ने 52 हॉस्पिटल के साथ 2017 से MOU साइन किया हुआ है कि हमारा पेशेंट अगर हम 30 दिन में इलाज नहीं दे पाए, हम आपके पास भेजेंगे, आप उसका इलाज करिएगा, पैसा दिल्ली सरकार आपको देगी। ये आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी सरकार ने इतने कल्याणकारी स्टेप उठाए, तो ये सब इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। दूसरा, आप में से हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हैं, ठीक ठाक इनकम है, 1.5 लाख रुपये सैलरी आ रही है, या बिजनेस कर रहे हो और इनकम टैक्स के दायरे में, लेकिन आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं जो कभी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी किया करते थे या गांव में रहा करते थे, अब गांव में कोई है नहीं तो आपके पास आ गए, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, वो आपके ऊपर आश्रित है, और उनमें से कोई बीमार पड़ गया, अर्जेंट जरूरत है, क्या करें, कहां जाए, तो दोनों तरीके हैं, डाक वाला तरीका भी है और दूसरा एक और तरीका है जो आपको और राहत देगा, जिसके अंदर मैंने पहले वाली पॉलिसी डाक बताई, उसमें 2 ही अस्पताल आपके नियर अबाउट, अगर से पालम फ्लाईओवर से पहले और दूसरा आयुष्मान सेक्टर 10। लेकिन अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग जो है अगर वो बीमार पड़ जाए और उनके पास ना फूड सिक्योरिटी कार्ड है ना ऐसा कोई EWS का कोई कार्ड नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे E-District खोले, ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करें, उनकी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन होगा कि साल में मेरी इनकम 1,00,000 रुपये से कम है, अगर इसमें किसी को दिक्कत आए तो मेरे ऑफिस आ जाए, हम कर देंगे, 48 घंटे में सेक्टर 10 SDM के यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके पेरेंट्स का, और इनकम सर्टिफिकेट लेके आप प्राइवेट अस्पताल जिसमें आयुष्मान भी शामिल है, जिसके अंदर वेंकटेश्वर भी शामिल है, जिसके अंदर आपका मणिपाल भी शामिल है, इनके अंदर आप निःशुल्क इलाज करा सकते हैं, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, 10% बेड ऐसे लोगों के लिए वहाँ पे आरक्षित हैं। क्या बनाना पड़ेगा इसमें, इनकम सर्टिफिकेट, बस और कुछ नहीं, इनकम सर्टिफिकेट बनते ही इलाज बिल्कुल निःशुल्क।